देखो वी हैव टू एक्सपेरिमेंटल सेटअप. क्या क्या है यहां पर? सो देयर इज अ गैस विच इज enclosed in this piston cylinder arrangement. This is closed system. Neither mass can enter or leave the system. It is fitted with a piston and this piston is connected to a mass over this frictionless pulley. ठीक है. और ये दूसरे सिस्टम में क्या है? तो इन दिस अदर सिस्टम देयर इज अ गैस, अगेन इट्स अ क्लोज सिस्टम एंड we have a thermometer and there is stirrer connected with a mass. ठीक है. अब देखो अगर ये हीटिंग बंद रहेगा तो क्या होगा? कौन बता सकता है? इफ दिस हीटिंग इज नॉट कंटिन्यूड तो क्या होने वाला है? व्हाट इज गोइंग टू हैपन? उसके पास एनर्जी नहीं रहेगी जो भी अंदर गैस है. तो फिर सिस्टम कैसे रहेगी? ये गैस है, ये पिस्टन सिलेंडर है और इसके साथ वेट कनेक्टेड है. तो ये पिस्टन नीचे जाएगा, ऊपर आएगा क्या? यस ऊपर आएगा ड्यू टू द वेट. कब तक ऊपर आएगा? दिस इज क्लोज सिस्टम. इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस बाहर का अंदर का प्रेशर सेम नहीं होता. जब तक बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम नहीं होता. बाहर का और अंदर का प्रेशर सेम नहीं होगा तब तक. सो देखो आप इसको खींचने की कोशिश कर रहे हो, ये कब तक ऊपर आएगा? हमने लगाया फोर्स और ऊपर से अपना प्रेशर सेम नहीं होगा. हाँ. सो देखो इसे थोड़ा सा समझ लो. ये वेट अभी नहीं है. सपोज ये वेट अभी नहीं है. दिस इज जस्ट पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट. अभी कौन सा प्रेशर यहाँ पर एक्ट कर रहा है? एटमॉस्फेरिक एंड गैसेस के नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर. अब ये पिस्टन ऐसे ही कंडीशन में है, मतलब इस गैस ने एग्जर्ट किया हुआ प्रेशर कितना रहेगा? एटमॉस्फेरिक. बिल्कुल सही है, बिल्कुल एटमॉस्फेरिक रहेगा. अब आपने क्या किया? आपने इसको वेट के साथ कनेक्ट किया. अब ऊपर से एक्ट होने वाला प्रेशर आपने बढ़ाया या कम किया? आपने लगाया हुए फोर्स की डायरेक्शन ऊपर है. ठीक है. सो ऊपर के डायरेक्शन का फोर्स बढ़ गया, मतलब ये ऊपर से एक्ट होने वाला प्रेशर बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ. कम हुआ. सो प्रेशर कम हो गया तो ये क्या होगा गैस का? गैस एक्सपांड होगा क्योंकि अंदर का प्रेशर ज्यादा है. बिकॉज इनिशियली देयर वॉज एटमोस्फेरिक प्रेशर. और ये एक्सपांड होकर एक कंडीशन आ जाएगी फिर से जब ऊपर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर ये दोनों प्रेशर बैलेंस हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. क्या सही है? ये इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी. ओके सर, ध्यान में आ गया. इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई. ठीक है. सो दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एंड दिस इज वेट. अब आपने क्या किया? अभी इक्विलिब्रियम कंडीशन है, अभी आपने इसे हीट करना शुरू किया. क्या होगा? आपने इसको हीट करना शुरू किया, क्या होगा? सर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस क्या होगा? सर गैस एक्सपांड होगा. गैस एक्सपांड होगा तो ये पिस्टन क्या करेगा? पिस्टन ऊपर जाएगा. पिस्टन ऊपर जाएगा तो ये वेट के साथ क्या होने वाला है? दिस वेट विल कम डाउनवर्ड. फिर आप क्या कहोगे?
सर ये वेट नीचे आया, कितना नीचे आया, एच इतना, सो कितना वर्क हुआ, कैन यू कैलकुलेट? सर एम जी एच इतना वर्क हुआ, किसके भरोसे हुआ ये वर्क? किसके भरोसे हुआ ये वर्क, किसके कारण हुआ? हीटिंग की वजह से, टेम्परेचर। सो इंटरेस्टिंगली आपने हीट सप्लाई किया और आपको वर्क आउटपुट मिला है। ये एक्सपेरिमेंट कहता है हीट सप्लाइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक है? शायद से इफ इट इज इंसुलेटेड, इफ दिस कंटेनर इज इंसुलेटेड, तो आपको ध्यान में आएगा कि सर जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं उसके कारण जो वर्क मिल रहा है उसका कुछ ना कुछ रिलेशन है, उसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। दूसरा और एक पार्ट है, ऑब्वियसली हाँ हीट कर रहे हैं तो इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा, विदाउट इंक्रीजिंग टेम्परेचर ये एक्सपांड नहीं होने वाला है। दूसरा एक एक्सपेरिमेंट ऐसे किया गया, यहां से क्या ध्यान में आया, हीट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। अब यहां वेट लगाकर इसे कनेक्ट कर दिया एक स्टरर के साथ, अब ये जैसे जैसे नीचे आएगा ये स्टरर घूमेगा, ठीक है? अगेन इफ दिस सिस्टम इज इंसुलेटेड, अगेन इफ दिस सिस्टम इज इंसुलेटेड, तो आपको ध्यान में आया कि जैसे जैसे ये वेट नीचे आया, जैसे जैसे ये वेट नीचे आया, यू विल ऑब्जर्व ये अगर एच हाइट इतना नीचे आया है तो डेफिनेटली एम जी एच इतना वर्क हुआ है, ये वर्क कहाँ गया? सो बिकॉज ऑफ दिस वर्क यहां पर टेम्परेचर बढ़ा है। टेम्परेचर बढ़ने का तरीका क्या है? तो इंटरनल एनर्जी बढ़ना। इंटरनल एनर्जी कब बढ़ सकती है? जब आप हीट सप्लाई करोगे तो। सो यहां पर तो हीट सप्लाई नहीं की, फिर इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ी? तो आपको ध्यान में आया हियर दिस वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर इज राइजिंग। सो ये वर्क और हीट का रिलेशन है, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी का रिलेशन है। क्या ध्यान में आ रहा है क्या हम क्या कह रहे हैं? क्या हम डे इन डे आउट लाइफ में कहीं ऐसा देखते हैं क्या वर्क एंड इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर राइज का कुछ रिलेशन है? गाड़ी के इंजन में जो पिस्टन रहता है वो पिस्टन सिलेंडर के इसमें जब हाथ आप सिर्फ एक दूसरे के ऊपर रब करते हो तभी भी टेम्परेचर राइज होता है। मिक्सर का कंटेनर देखना आपने, जब ये ज्यादा समय घुमाते हैं तो नीचे का पार्ट तो गर्म होता ही है, इवन दैट कंटेनर मिक्सर का पॉट वो भी गर्म होता है। होता है क्या? Yes, sir. हाँ, मिक्सर का पॉट भी गर्म होता है, कभी ऑब्जर्व करना। सो ऑल दिस एक्सपेरिमेंट ये करने के बाद ध्यान में आया डेफिनेटली देयर इज रिलेशन बिटवीन वर्क हीट एंड इंटरनल एनर्जी एंड
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये तीनों को भी जोड़ता है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। यहां पर डेल्टा क्यू क्या है? इज हीट सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग। डेल्टा डब्ल्यू क्या है? दिस इज वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। एंड डेल्टा यू क्या है? सो डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग। Change in internal energy of the surrounding. So this equation is called as first law of thermodynamics. आज इसे समझने के लिए बहुत आसान है। आप तो कहोगे सर दिस इज सिंपली कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, हम हीट एनर्जी दे रहे हैं उसके कारण इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है एंड वर्क करने के लिए जो एनर्जी लगती है तो बचा हुआ फॉर्म बची हुई एनर्जी वर्क कर रही है। सो कुछ जूल इतनी हीट दी, कुछ जूल इतनी इंटरनल एनर्जी बढ़ी और कुछ जूल इतना वर्क हुआ। सो दिस इज सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So this is simply law of conservation of energy applied to a system in which energy interaction between system and surrounding is taking place. ठीक है, this is simply a law of conservation of energy applied to a system in which energy interaction between system and surrounding is taking place. इसे अगर दूसरे फॉर्म में लिखना है तो वी कैन राइट जितनी हीट सप्लाई की माइनस जितना वर्क हुआ बचा हुआ पार्ट सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में रहेगा। हीट हमने सप्लाई की, कुछ वर्क हुआ, बचा हुआ पार्ट सिस्टम के पास इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहेगा। क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है। अब सर कभी कभी ऐसा हो सकता है क्या द चेंज इन इंटरनल एनर्जी में भी जीरो? ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा पॉसिबल है? अब देखो हाँ, अब शायद से हमें वापस जाना पड़ेगा। इंटरनल एनर्जी का चेंज मतलब क्या है?
मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ना, सही है? मॉलिक्यूल की एनर्जी इज रिलेटेड विथ, या वो हमें बढ़ी है या कम हुई है कैसे पता चलता है? टेम्परेचर से. टेम्परेचर से, एग्जैक्टली एग्जैक्टली. टेम्परेचर अगर कम ज्यादा होता है तो इंटरनल एनर्जी कम ज्यादा होती है, ऐसा हमें रियलाइज होता है. सो ऐसी कब ऐसा कभी हो सकता है कि जहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ हो? सर हाँ, ऐसा हो सकता है. ड्यूरिंग अ प्रोसेस टेम्परेचर शायद से बढ़ा, फाइनली फिर से नॉर्मल हो गया. ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा, फिर से जितना इनिशियल था उतना ही हो गया. सो शुरुआत की और फाइनल कंडीशन के वक्त आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पर तो टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं है, जो शुरुआत में था वही फाइनली है, बीच में शायद से बढ़ा होगा. इज इट पॉसिबल? हाँ सर, इट इज पॉसिबल. चाय बनाते हैं तो चाय का टेम्परेचर बढ़ता है, चाय अगर पिया नहीं तो थोड़े देर के बाद चाय फिर से रूम टेम्परेचर पर आ जाता है. तो शुरुआत में भी दूध और पानी रूम टेम्परेचर पर था, फाइनली पे दूध और पानी रूम टेम्परेचर पर है. सो इज देयर एनी टेम्परेचर चेंज? नहीं. ओवर द प्रोसेस इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर टेम्परेचर चेंज नहीं है तो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई है क्या? नहीं सर, इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं हुई है. क्या इस प्रोसेस में हमने कुछ हीट सप्लाई की है क्या? हाँ डेफिनेटली हीट सप्लाई की है. अब देखो, यू विल रियलाइज कि सर ऐसे केस में फिर हमें लिखना पड़ेगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो. इसका मतलब डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू. सो जो कुछ भी हीट हमने सप्लाई की उसके कारण वर्क हुआ है. ठीक है, सो ऐसा भी हम कुछ प्रोसेस में कहने वाले हैं. ऐसे प्रोसेस को हमें अभी डिटेल में समझना है. उसके पहले इस इक्वेशन का और एक फॉर्म देख लेते हैं. ठीक है, क्या इक्वेशन है हमारा? हमारा इक्वेशन है हीट सप्लाइड टू द सिस्टम इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अब देखो, दिस डेल्टा डब्ल्यू इसको हमने एक बार पहले भी डिराइव किया है. डेल्टा डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, याद है क्या? किसी को याद है डेल्टा डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इनटू वॉल्यूम. एग्जैक्टली, वी कैन राइट इट एज प्रेशर इनटू वॉल्यूम. सर कैसे, एक बार थोड़ा सा याद दिला दो. बिल्कुल याद दिलाता हूँ. देखो, दिस इज गैस, ये हमारी सिस्टम है. ठीक है, अब हम इसे हीट कर रहे हैं तो क्या होने वाला है आपको पता है. दिस इज गोइंग टू एक्सपांड. सो ये पिस्टन यहां पर पहुंच गया. So, पिस्टन की इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई है. ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है. पिस्टन की इतनी डिस्प्लेसमेंट हुई. यहां पर बाहर से क्या एक्ट हो रहा था? एटमोस्फियरिक प्रेशर. सो देखो, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब देखो, फोर्स को मैं प्रेशर इनटू एरिया इनटू ये डिस्प्लेसमेंट, इसे अगर मैं डीएल कहता हूं तो यह आ जाएगा डीएल. अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू ये डीएल डिस्प्लेसमेंट. पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस पाई आर स्क्वायर एच? सर पाई आर स्क्वायर एच, ये तो सिलेंडर का वॉल्यूम है. कौन से सिलेंडर का वॉल्यूम है ये? सर ये तो जितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है गैस का उसका वॉल्यूम होगा. सो यू विल राइट दिस एज पी इनटू डीवी. ये छोटा सा वर्क रहेगा. ठीक है, सो आप इसे ही कह सकते हो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू पी डेल्टा वी. और ये रिलेशन बन जाता है
डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी एंड दिस इज अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. Equations of first law of thermodynamics. आपको इसके साथ दो चीजें पता है. कौन सी चीजें पता है सर? आपको गैसेस को देयर आर टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज, ऐसा आपने पढ़ा है, आपको पता है. कौन सी है ये? सीपी क्या होती है? मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. And CV क्या होती है? Specific capacity at constant volume. अब देखो हाँ, इस पूरे चैप्टर में हम मोलर ये वर्ड यूज नहीं करने वाले हैं, but unless and until specified, it will be molar because we are talking about gaseous system. And in case of gaseous system, moles में gas को mention करना is advantageous. ठीक है? So specific heat capacity at देखो, आपको तुरंत कुछ चीजें ध्यान में आ जाएगी. मेरे पास एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है. अब देखो, हम इसे हीट सप्लाई कर रहे हैं एंड इंटरेस्टिंगली हमने यहां पर स्टॉपर लगाकर रखा है. स्टॉपर लगाकर रखा है तो क्या होने वाला है सर? स्टॉपर लगाकर रखा है तो एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल. एक्सपेंशन इज नॉट पॉसिबल तो डेल्टा वी की वैल्यू, वॉल्यूम कितने से चेंज होगा अगर स्टॉपर लगाया है तो? कुछ भी नहीं. डिस्प्लेसमेंट जीरो. ये डिस्प्लेसमेंट ये जीरो आएगी तो एरिया इनटू जीरो विल बी जीरो. सो वर्क डन जीरो. सो इन केस ऑफ दिस आप जो हीट सप्लाई करने वाले हो, क्या इट इज हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम? हाँ सर, वॉल्यूम फिक्स है. ठीक है, इसके कारण होगा क्या? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा. टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये एक्सपांड होगा, बट एक्सपांड होने का चांस नहीं है तो प्रेशर बढ़ सकता है, वॉल्यूम नहीं बढ़ सकता है. सो सर, इस केस में हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसके कारण क्या हो रहा है? इस इक्वेशन में पुट करो, वी आर सप्लाइंग हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सो डेल्टा क्यू वी इक्वल टू डेल्टा यू. क्या मैं इसको नंबर ऑफ मोल्स इंटू सी वी इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूं क्या? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम लिख सकता हूं ऐसा? एम सी डी टी के जगह, मास के जगह यहां पर नंबर ऑफ मोल्स आ गए बिकॉज दिस इज मोलर. एंड अगर हमने इन स्टॉपर को हटा दिया विदाउट स्टॉपर, जो हीट सप्लाई करने वाले हैं उसे हम क्या लिख सकते हैं?
हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, उस केस में स्टॉपर नहीं रहेगा, स्टॉपर नहीं रहेगा तो जब गैस की एक्सपांड होने की इच्छा होगी तो क्या ये पिस्टन ऊपर जा सकता है क्या? हाँ सर, तब ये पिस्टन ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हमें टेम्परेचर उतने ही अमाउंट से बढ़ाना है, टेम्परेचर उतने ही अमाउंट से बढ़ा तो इंटरनल एनर्जी का चेंज उतना ही होगा, प्लस इसका एक्सपांशन होगा तो पीडीवी इतना वर्क होने वाला है। हाँ सर, और इसे आप लिखोगे एन सी पी इंटू डी टी, क्या सही है? सो ऑब्वियसली कौन सी हीट सप्लाइड विल बी मोर, सीपी या सीवी, किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी? सीपी या सीवी किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी एंड बाय व्हाट क्वांटिटी? सर सीपी की वैल्यू ज्यादा रहेगी, सीपी या सीवी के जगह क्यूवी या क्यूपी, कौन सी किसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी? क्यूपी, क्यूपी की वैल्यू ज्यादा रहेगी। कितने अमाउंट से ज्यादा रहेगी? पी डेल्टा वी, पी इनटू डेल्टा वी, ठीक है, पी इनटू डेल्टा वी, इतने अमाउंट से ये ज्यादा रहने वाली है। बाकी फिर यहाँ से मेयर्स रिलेशन हमने डिराइव किया था, मैं एक बार फिर से लगे तो आपको याद दिला देता हूँ। देखो क्या दिखा है हमने, डेल्टा क्यू वी इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी इंटू डेल्टा टी, हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ठीक है। सो यहां से आ जाएगा, इसको लिखा है हमने एन सी पी डी टी। अब तीसरा रिलेशन हमारे पास अवेलेबल था पी वी इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट प्रेशर के कंडीशन में आई कैन राइट पी डेल्टा वी इक्वल टू एन आर डी टी, सही है ना। प्रेशर अगर कॉन्स्टेंट है तो जब वॉल्यूम चेंज होगा नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो नहीं सकते बिकॉज सिस्टम इज क्लोज्ड, आर इज यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, सो चेंज क्या हो सकता है? टेम्परेचर, ठीक है। सो अब इन तीन इक्वेशन के तरफ जरा ठीक से देखो, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। आई विल राइट एन सी वी डी टी इक्वल टू डेल्टा यू एंड एन सी पी डी टी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो ये वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं और पी डेल्टा वी की इनको यहां पर अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो दिस विल बिकम एन सी पी डी टी इक्वल टू एन सी वी डी टी प्लस एन आर डी टी सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर। इस रिलेशन को हमने बहुत बार लिखा है, क्या सही है क्या? हाँ सर, बिल्कुल सही है, ठीक है। या CP माइनस CV इक्वल टू R, दिस इज कॉल्ड एज मेयर्स रिलेशन, इसको मेयर्स रिलेशन कहते हैं, हमने इसे पहले भी डिराइव किया है। एडिशनली हमने लास्ट चैप्टर में जब गैस लॉस देखे थे तब और एक रिलेशन देखा था,
क्या देखा था, पीवी इक्वल टू एनआरटी जैसा देखा था वैसे पीवी इक्वल टू कैपिटल एन इंटू के बी इंटू टी ऐसा भी रिलेशन देखा है, याद है क्या? यस सर, बिल्कुल। सो देखो यहां से वी कैन ऑल्सो राइट हीट सप्लाइड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर फॉर द केस ऑफ पहले कॉन्स्टेंट वॉल्यूम की दिखते हैं। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के वक्त क्या सप्लाई करते हैं हम, डेल्टा क्यू वी इक्वल टू डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डी टी। सो देयरफॉर सी वी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन एन डी टी, डेल्टा यू अपॉन एन डी टी, दिस इज नॉट डेल्टा वी, दिस इज डेल्टा यू और ये है सी वी, ठीक है। एन डी टी को हम क्या लिख सकते हैं, सो डेल्टा यू अपॉन एन डी टी, डेल्टा यू अपॉन एन डी टी आ जाएगा आर, कितने टाइम्स आर आ जाएगा, तो जितने एन के बी टी होते हैं उतने टाइम्स, या सिंपली CV इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन एन डी टी ऐसा ही आप लिख सकते हो, ठीक है। एंड यहां से CP को लिख सकते हो CV प्लस आर, दैट इज डेल्टा यू अपॉन एन डी टी प्लस आर, ठीक है। इसके डिटेल में और जाने वाले हैं हम किस प्रकार से सीपी सीवी को इवेल्युएट करना, बट यहां से तो सिंपली हम सीवी और सीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। लगे तो इसे और सिंपल करते हैं, एक सेकंड, दोनों रिलेशन आपके पास आ जाएंगे। फॉर कॉन्स्टेंट वॉल्यूम केस एन सी वी डी टी इक्वल टू डेल्टा यू, देयरफॉर सी वी इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन एन डी टी, एंड फॉर कॉन्स्टेंट प्रेशर एन सी पी डी टी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी है, तो यहां पर अपन डेल्टा क्यू लिखेंगे, एंड सी पी इक्वल टू डेल्टा क्यू पी अपॉन एन डी टी, इसको ही डेल्टा क्यू पी के जगह आप डेल्टा यू अपॉन एन डी टी प्लस पी डेल्टा वी अपॉन एन डी टी ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, बस वैल्यूज पुट की, बाकी कुछ भी नहीं। सो इस प्रकार से सीपी और सीवी की वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। जब हम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के तरफ जाएंगे, केटीजी जब पढ़ेंगे, तब हम इन रिलेशन के पास फिर से आने वाले हैं।